हेलो स्टूडेंट, टुडे वी सी द टू पॉइंट्स इन एफएम एंड एएम. द फर्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ एफएम एंड एएम. सेकंड इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ वाइड बैंड एफएम एंड नैरो बैंड एफएम. ओके, सो सी द फर्स्ट, दैट इज़ द कंपैरिजन ऑफ एफएम एंड एएम. द फर्स्ट पॉइंट इज amplitude of FM wave is constant, it is independent of the modulation index. Okay, and AM में क्या है, amplitude of AM wave will change. इसमें क्या हो रहा है, amplitude of AM wave क्या हो रहा है, change होगा with modulating voltage. Okay, और इसमें क्या रहेगा, constant रहेगा amplitude. Second देखो क्या है, hence the transmitted power remains कॉन्स्टेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम एफ. यहाँ पर जो है ट्रांसमिटेड पावर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा. और यहाँ पे एम में क्या रहेगा, ट्रांसमिटेड पावर इज डिपेंड ऑन मॉडुलेशन इंडेक्स. ओके, मीन्स एफ एम में क्या है, मॉडुलेशन इंडेक्स पे डिपेंड नहीं है ट्रांसमिटेड पावर, और एम में क्या है, मॉडुलेशन इंडेक्स पे डिपेंड है ट्रांसमिटेड पावर. ओके, थर्ड देखो क्या है, all the transmitted power is useful. और इसमें क्या है, the carrier power and one side band power are useless. okay, so जो FM है, FM में क्या है, transmitted power हम जो है useful है, और AM में जो है वो useless है. से फोर देखो क्या है, FM receiver are immune to noise. okay, FM receiver क्या है, noise के लिए immune है, means all. और AM में क्या है, receiver are not immune to noise. okay, receiver जो है, AM receiver are not immune to noise. okay, so see, okay, see, immune means that is the, यू मीन मीन्स क्या है यहाँ पे, दैट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम, प्रोटेक्टेड टू नॉइस. ओके, सो सी द फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ पॉसिबल टू डिक्रीज द नॉइस फर्दर बाय इंक्रीजिंग डेविएशन. हम लोग क्या कर सकते हैं, एफएम में नॉइस डिक्रीज कर सकते हैं डेविएशन इंक्रीज करके, और एएम में दिस फीचर्स इज अब्सेंट, ये जो फीचर है वो अब्सेंट रहेगा. सिक्स देखो क्या है, बैंडविड्थ क्या रहेगी, ऑलरेडी है ये हमारा फॉर्मूला हो चुका है, ट्वाइस डेल प्लस एफ एम, द बैंडविड्थ डिपेंड्स ऑन मॉडुलेशन इंडेक्स. और एम का भी ये फॉर्मूला हो चुका है, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन मॉडुलेशन इंडेक्स. सेवन, द बैंडविड्थ इज लार्ज, हिन्स वाइड चैनल इज रिक्वायर्ड, बैंडविड्थ इज मच लेस दैन एफ एम. एट्थ वाला देखो, स्पेस वेव इज यूज फॉर प्रोपगेशन, सो रेडियस ऑफ ट्रांसमिशन इज लिमिटेड टू द लाइन ऑफ साइट. और ए एम में क्या है, ग्राउंड वेव एंड स्काई वेव प्रोपोगेशन इज यूज, देयर फॉर लार्ज एरिया इज कवर्ड देन एफ एम. ओके, जो एफ एम में, एफ एम में हम लोग सिर्फ क्या, स्पेस वेव प्रोपोगेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ए एम में जो है हम लोग ग्राउंड और स्काई वेव प्रोपोगेशन यूज़ कर सकते हैं. सो हम लोग जो है ये विद हेल्प ऑफ एम लार्ज एरिया कवर्ड कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट एंड नाइन्थ पॉइंट क्या है, हेंस इट इज़ पॉसिबल टू ऑपरेट अ सेवरल ट्रांसमीटर्स ऑन द सेम फ्रिक्वेंसी. एफएम में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेवरल ट्रांसमीटर सेम फ्रिक्वेंसी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पॉसिबल, पॉसिबली टू ऑपरेट मीन्स ऑपरेट कर सकते हैं सेवरल ट्रांसमीटर ऑन सेम फ्रिक्वेंसी. ओके, और इसमें क्या है, एएम में नॉट पॉसिबल टू ऑपरेट मोर चैनल्स ऑन सेम फ्रिक्वेंसी, मीन्स हम लोग इसमें ज़्यादा चैनल नहीं यूज़ कर सकते हैं सेम फ्रिक्वेंसी में. ओके, एएम में ड्रॉबैक्स है कि हम लोग ज़्यादा चैनल्स नहीं यूज़ कर सकते एक ही फ्रिक्वेंसी में, मीन्स सेम फ्रिक्वेंसी में. ओके, सो टेंथ नंबर का पॉइंट देखो, क्या है देखो, टेन नंबर का पॉइंट, दैट इज़ एफ एम ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इक्विपमेंट आर मोर कॉम्प्लेक्स. ए एम में क्या, एम इक्विपमेंट आर लेस कॉम्प्लेक्स. एलेवन, द नंबर ऑफ साइड बैंड्स हैविंग अ सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड्स डिपेंड्स ऑन द मॉडुलेशन इंडेक्स, दैट इज एम एफ.
और एएम में क्या होता है, नंबर ऑफ साइड बैंड्स इन एएम विल बी कांस्टेंट एंड इक्वल टू 2 12. द इंफॉर्मेशन इज कंटेन इन द फ्रिक्वेंसी वेरिएशन ऑफ कैरियर. इसमें जो इंफॉर्मेशन रहेगी उसमें क्या रहेगा अपना, फ्रिक्वेंसी वेरिएशन रहेगी कैरियर की. और एएम में क्या, इंफॉर्मेशन कंटेन इन द एम्पलीट्यूड वेरिएशन इन द कैरियर. ओके, एफएम में फ्रिक्वेंसी वेरिएशन और एम्पलीट्यूड में, एएम में एम्पलीट्यूड वेरिएशन रहेगा. 13 में देखो, एफएम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव. ओके, अभी इसमें क्या हो रही है, फ्रिक्वेंसी वेरी हो रही है. इसमें क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा हो रही है. और इसमें जो है एम्पलीट्यूड आपका क्या हो रहा है, ये यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है. ओके, सो अप्लीकेशन देखो, 14 नंबर का पॉइंट क्या है, अप्लीकेशंस रेडियो एफएम का है. देखो, रेडियो है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, पुलिस वायरलेस, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. ओके, और एएम में क्या है आपका, रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग. ओके, दिस इज़ द कंपैरिजन फॉर एफएम एंड एएम. ओके ओके, सी द नेक्स्ट कंपैरिजन, दैट इज़ द वाइड बैंड एफएम एंड नैरो बैंड एफएम. सो सी द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. वाइड बैंड का रहता है ग्रेटर देन वन, नैरो बैंड का रहता है लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन वन. सेकेंड पैरामीटर है मैक्सिमम डेविएशन. वाइड बैंड का 75 किलोहर्ट्स, नैरो बैंड 5 किलोहर्ट्स. थर्ड देखो, रेंज ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी. वाइड बैंड की रहती है 30 हर्ट्स टू 15 किलोहर्ट्स, नैरो बैंड की रहती है 30 हर्ट्स टू 3 किलोहर्ट्स. ओके, फोर्थ नंबर देखो, मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना रहेगा, वाइड बैंड का रहेगा 5 to 25,000 और नैरो बैंड का रहेगा स्लाइटली ग्रेटर देन 1. ओके, और बैंडविड्थ देखो क्या रहेगी वाइड बैंड की, लार्ज अबाउट 50 टाइम्स हायर देन बैंडविड्थ ऑफ नैरो बैंड. और नैरो बैंड में क्या रहेगा, स्मॉल अप्रोक्सीमेटली सेम एज दैट ऑफ एएम. अप्लीकेशन देखो, 6 नंबर, एंटरटेनमेंट ब्रॉडकास्टिंग कैन बी यूज फॉर हाई क्वालिटी म्यूजिक ट्रांसमिशन. ये रहेगी वाइड बैंड एफएम के. नैरो बैंड के देखो अप्लीकेशन क्या है, एफएम मोबाइल कम्युनिकेशन लाइक पुलिस वायरलेस एम्बुलेंस एक्सेट्रा, दिस इज़ यूज फॉर अ स्पीच ट्रांसमिशन. ओके, ऑलरेडी ये एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत बार देखा है पुलिस वायरलेस का फॉर स्पीच ट्रांसमिशन. ओके, सो 7 नंबर का देखो, प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस. अभी ये प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस हम लोग जो है नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें देखने वाले डिटेल में. सो अभी सिर्फ यही ध्यान में रखो कि वाइड बैंड एफएम में प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस जो है आपको लगता है और नैरो बैंड में भी लगेगा. ओके, नीडेड. ओके, सो इन दिस वे वी कंपेयर द वाइड बैंड एफएम एंड नैरो बैंड एफएम. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.